सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यू आर सक्सेसफुल मैन, आपके एक से ज़्यादा तारुफ पॉसिबल हैं, डायरेक्टर, चेयरमैन, ईच एंड एवरी सूटेबल जो है वो आपका टाइटल हो सकता है, बट तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या जो पिछले 6 माह से मैं देख रहा हूँ एज ए टीचर देते हैं, जो कि कम अज़ कम मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और मुझे लगता है कि मैं भी रिस्पेक्टेबल हूँ। ये बहुत मेरे 2-3 सिस्टम्स में मैंने काम किया नहीं होता, वहाँ पे जाहिर है कि अपने अपने डेजिग्नेशन हैं, तो आप इसी टीचर को ही इतना फोकस क्यों करते हैं, या आपने अपने लिए टीचर रहना ही क्यों पसंद किया जबकि बहुत बड़े बड़े टाइटल्स आपके साथ हैं? नाम क्या आपका? मोहम्मद फारूक सर। मोहम्मद फारूक, मुझसे जिंदगी में इतना अच्छा सवाल बहुत कम लोगों ने पूछा। मोहम्मद फारूक, आपके सवाल का जवाब तो एक घंटे पे मोहित होना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा चंद मिनट के अंदर इसको बात कर दूं। देखिए, नंबर एक, मैं जब अर्ली एज में था तो मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले, उनके रवैयों की वजह से मुझे एजुकेशन और टीचर्स दोनों से नफरत हो गई और मेरी एजुकेशन में गैप भी आया। उसके बाद अल्लाह रहमान रहीम ने मेरी वालदैन की दुआओं की वजह से मुझे एक बेस्ट टीचर से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। ये गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में था, प्रोफेसर ताहिर परवेज साहब, उन्होंने मुझे जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे इतने प्यार से बस अपना बना लिया, मेरा एम सेट कर दिया, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे बकअप किया, मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद फारूक भाई, वो जावेद जो कि एक आम सभी बच्चा नहीं था, लेकिन मुझे कभी प्यार नहीं मिला था टीचर से, जब एक टीचर से मुझे प्यार मिला तो मेरा हिडन पोटेंशियल बाहर आया और मैं साल के अंदर अंदर एक चेंज स्टूडेंट था, अपने कॉलेज का टॉपर था, अपने क्लास का टॉपर था। तो फिर मुल्तान बोर्ड में टॉप करने का उन्होंने मेरा एम सेट किया, मैंने उससे जस्तजो की, वो मैं टॉप तो नहीं कर सका लेकिन टॉप 10 पोजिशन में अलहमदिल्ला मैं आ गया। तो ये उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर से फैसला कर लिया था कि आई वुड बी अ टीचर, क्योंकि मैंने ये देखा था कि इंसान टीचर तो वो चीज़ है, अल्लाह ने इतनी ताकत दी है टीचर को कि वो ज़िंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ दोनों सफ़र हुए, दोनों यानी कि हैपनिंग्स हुई हैं, ज़िंदगी बिगाड़ने वाला भी मेरे साथ शोभा जो मामला हुआ है वो टीचर्स ही की वजह से हुआ था, तो मेरी ज़िंदगी भी टीचर्स ने बनाई। तो मैंने उस टाइम डिसीजन लिया था कि इंशाल्लाह आई लव टू बी अ टीचर और मैं अल्लाह से दुआ मांग के टीचर बना हूँ, ये एम ऑब्जेक्टिव लेके टीचर बना हूँ कि इंशाल्लाह अपने कौम के बच्चों और बच्चियों को अपने बेटे और बेटियाँ समझकर उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाने की कोशिश करूँगा। अगली बात इनकी ये है कि मैं ये क्यों कहता हूँ आई एम अ टीचर बाई चॉइस। मेरा मानना ये है कि जब तक कोई इंसान अपने प्रोफेशन को अपना पैशन नहीं बनाता, वो हाई फील नहीं करता कि मैं टीचर हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स हूँ, जब तक उसके अंदर ईमान नहीं होता कि मैं ये हूँ, जब तक वो उसमें हाई अचीवर नहीं बन सकता। यही वजह है कि मेरा ये लंबा सफ़र है फारूक, याद रखना, मैं ये चाहता हूँ कि हर टीचर, पाकिस्तान का हर टीचर प्राउड फील करना शुरू कर दे कि मैं टीचर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट करता हूँ, इन नमा वो इस मौलिमा, बेशक मुझे मौलिम बना के भेजा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पेशा, अपना प्रोफेशन टीचिंग को बताया है। हम दुनियावी तालीम देते हुए भी लोगों को, बच्चों को अल्लाह का तारुफ करवा सकते हैं, उन्हें इस्लाम की तरफ ला सकते हैं, ये टीचर के हाथ में है, उनकी करेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। बच्चे टीचर को आइडलाइज करते हैं, वालदैन से भी ज़्यादा टीचर को आइडलाइज करते हैं। फारूक, अच्छा सवाल अच्छे जवाब से ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छे से क्लास फारूक के लिए।